पेट गुरु का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्त। दोस्तों आज हम अहमदाबाद में होने वाले डॉग शो में आए हैं। 2023 अहमदाबाद केनल क्लब की तरफ से ये डॉग शो करवाया जा रहा है, तो बहुत सारे डॉग्स देखेंगे, किस तरीके से कंपटीशन हो रहा है वो देखेंगे और आगे चलेंगे। तो पहला जो डॉग देख रहे हैं ये जर्मन शेफर्ड है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत, तो इसी से हमने स्टार्ट किया है और काफ़ी पॉपुलर डॉग है इंडिया में। दोस्तों यहाँ पे चिराग भाई हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर मिल गए हैं, जिनको पूरी हिस्ट्री मेरी यूट्यूब की पता है कि कहाँ से एवीएम एंटरटेनमेंट हुआ, फिर ये अहमदाबादी अज्जू हुआ और पेट गुरु चैनल जो आप गुजरात की बहुत जानी पहचानी चैनल है। तो ये चिराग भाई ये कौन सा डॉग है? ये अकीदा है। अकीदा है। चिराग भाई आपके पास कौन से डॉग है? मेरे पास सिजू है, लासा है, पोमेलियन है, लैब है, जर्मन शेफर्ड है, पिटबुल है। मेरे पास मिल जाते हैं? हाँ मिल जाते हैं ना, हस्की है। आपका नंबर बता दीजिए। 8849456682। ठीक है, तो दोस्तों आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्द इनकी केनल पे भी हम विजिट करेंगे। केनल आपकी कहाँ पर है? एयरपोर्ट सदर मार्केट के बाजू में, सिमरन होटल के पास में। चलिए दोस्तों क्लोज अप लुक अप ले लेते हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा स्टैंडिंग पोजीशन इसको दिया है। ये अमेरिका की ब्रीड है अकीदा और मेल डॉग है। चलिए दोस्तों चाओ चाओ ब्रीड देखते हैं। सर जी आपका? हाँ। चाओ चाओ ब्रीड की ओरिजिन, कंट्री ओरिजिन चाइना? चाइना है और रशियन है। चाइना और रशियन है, ठीक है। ये आपका पर्सनल डॉग है या ब्रीडर है? पर्सनल है। इसका मेंटेनेंस आपको कैसा रहता होगा अंदाजन? जो नॉर्मल डॉग्स का होता है वैसे ही रहता है। वैसे ही रहता है और ग्रूमिंग थोड़ा रहता होगा? नहीं, हाँ ग्रूमिंग रहता है। ग्रूमिंग रहता है ना, ओके। और इसके मतलब ये क्लाइमेट कैसे संभालते हैं आप, इसका एडजस्ट करते हैं? जैसे कि काफ़ी ठंडी वाला ब्रीड है? नहीं, मैं लाया था 35 डेज का लाया था। ठीक है, अभी एसी में रहता ही नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर में अभी सेट हो गया है। सेट हो गया नॉर्मल टेम्परेचर में? हाँ, आपको हाँ, कोई टेंशन की बात हाँ, नहीं है। और बच्चों से लेके 2 साल का बच्चा हो या 10 साल का हो या 100 साल का, हाँ, सबके साथ फ्रेंडली है। कोई बाइट भी नहीं, कोई कुछ भी, मगजमारी नहीं, कुछ मेल है ना? मेल है। ओके, और कितने साल का अभी ये? ये 6 मंथ का है अभी। 6 मंथ का है, ओके। तो दोस्तों ये मोटिवेट आपको कर रहे हैं कि अगर आप पपी से लेंगे और उसको अकोमोडेट इस तरीके से करेंगे तो ये भी अहमदाबाद। आप कहाँ से है बेसिकली? अहमदाबाद से। और यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई, 45 डिग्री तक भी दोस्तों जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर जानने को मिला, सर खुद बताएंगे। जी बताइए। वर्ल्ड में 2 ही ब्रीड है जिसकी टंग पलपल आती है, जामुन कलर की, आप देख सकते। जामुनी कलर की आती है, देखिए आप। हाँ जैसे दोस्तों आप जामुन खाते हैं ना, उसके बाद आपकी जैसी टंग हो जाती है ना, वैसी इसकी ऑटोमेटिक टंग है। क्या बात है, कुछ नया जानने को मिला, मुझे नहीं पता था ये फैक्ट। थैंक यू सर ये फैक्ट बताने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट ब्रीड जो देख रहे हैं हम, टॉय पॉम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत फेदर क्वालिटी। चलिए दोस्तों भाई साहब से बात कर लेते हैं कि ये कौन से डॉग्स में काम करते हैं। तो यहाँ आपको काफ़ी वेराइटी वाले ब्रीडर मिलेंगे और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे। जी भाई, ये मैं खाली टॉय का ही कर रहा हूँ ब्रीड। ये गोल्डन है, ब्लैक कलर है और ब्लैक एंड डेन है मेरे पास। 9825476002। आप कहाँ से हो? अहमदाबाद से ही, साहिबाग से। अब दोस्तों हम देख रहे हैं साइबेरियन हस्की, पर्सनल डॉग लवर शायद लेकर आए हैं मैम शो करवाने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों गर्मी इतनी है कि देखिए डॉग्स भी जो है आराम के मूड में है। तो आप देख रहे हैं अभी ये लेब्राडोर देख रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छा जंबो साइज भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी केयर की गई है। अब दोस्तों गोल्डन रिट्राइवर देख रहे हैं हम, आपको दोस्तों हमारी चैनल पे जो है प्लेलिस्ट मैंने डॉग की बना दी है केनल्स की। अभी जस्ट सूरत विजिट किया, सूरत की केनल में सिज्जू की केनल हमने कवर की। अगर सिज्जू की कोई रिक्वायरमेंट हो तो जाकर वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दी है। और बाकी जहां पर ब्रीडर यहां पर मिलेंगे उनसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। एक और जर्मन शेफर्ड देख लेते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, लॉन्ग कोट में है, ठीक है। और जर्मन शेफर्ड का भी फार्म दोस्तों मैंने विजिट किया था, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब दोस्तों रिंग की तरफ बढ़ते हैं, रिंग को देख लेते हैं। रिंग में देखिए किस तरीके से अभी डोबरमैन का शो चल रहा है। दोस्तों अमेरिकन स्टैनफोर्ड साइड टेरियर, ओके। कुछ ऐसी ब्रीड दोस्तों ये
पालना लोग जो है अलग अलग, बाकी तो कॉमन ब्रीड आपको देखने को मिल जाती है आसानी से। भाई साहब पर्सनल पेट ये कितने साल की इसकी एज होगी, कितने साल से आपके पास? ये मेरे पास 6 साल से। 6 साल से है, ओके। और इसका मेंटेनेंस कहूँ तो कैसा रहता है? इसका मेंटेनेंस हर महीने आता है अराउंड 18 से 20 हज़ार। 4 पेट है टोटल, 4 के। अच्छा, और एग्रेसिव लेवल इसका कैसा रहता है? अग्रेशन में क्या है कि एक तो सबसे पहले अग्रेशन में ऐसा होता है कि डिपेंड के आपका घर का एटमोसफियर उसको कैसे बड़ा करते हो, बचपन से उसको सोशलाइज करो तो बिल्कुल भी अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होते, ये फ्रेंडली होते, जैसे समझ लो लैब। अगर चेन से ज़्यादा बांध के रखें, हाँ अगर बांध के रखते हैं फिर बिना वजह चिड़ाना ये वो, अगर सो रहा है फिर आप सीधी बात है, इंसान सोता है उसको आराम करता है, उसको आप जाके चिड़ाओगे वो गुस्सा करेगा, उसमें ऐसा होता है। सेम कोई भी पेट ले लो, ये नहीं कोई भी ब्रीड ले लो आप। और दूसरे डॉग से कैसा है ये फेमिलियन? दूसरा पालना पड़ता है थोड़ा, नहीं मतलब इसमें क्या है कि मैंने इसको बचपन से अगर दूसरे डॉग के साथ रखा है तो अच्छे से रहेगा, पर हाँ सोशलाइज नहीं करवाया है तो फिर वो तो फिर सीधी सी बात है अग्रेशन दिखाएगा ही, बाकी अगर सोशलाइज करवाया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट है कि क्या है कि रफ एंड टफ ब्रीड है, कोई भी सीज़न होवे या कोई खाने पीने के नखरे नहीं होते, प्यार से इनको बस इनको एक ऐसा होता है कि ओनर प्यार से खाना दे और खिलावे, बाकी खाने के कोई नखरे नहीं, कोई भी सीज़न हो कुछ भी हो आराम से रह लेते हैं फैमिली के साथ। ये अराउंड 40 डेज का था तब से मेरे पास है। अब दोस्तों जो पिछला डॉग देखा जो हमने स्टैनफोर्ड साइड टेरियर, ये उसका ग्रेट ग्रैंडसन है, ठीक है, तो ये भी मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और डॉग को जैसा रखेंगे वैसी ही दोस्तों वो आपसे या आपके आने वाले जानने पहचानने वाले से बिहेव करेगा, ठीक है। सोशलाइज करवाइए, सोशलाइज करवाना चाहे इंसानों से हो चाहे अदर डॉग से, बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका डॉग एक जो है कंप्लीट डॉग बनेगा। यहाँ पे एक और लैब देखिए, अभी दोस्तों देखिए सभी डोबर मैन को लाइन में खड़ा करके उनके स्टैंडिंग पोजीशन चेक की जाएगी, उनके टीथ चेक किए जाएंगे, उनकी क्वालिटी चेक की जाएगी, उनकी चलने की स्टाइल दौड़ने की स्टाइल चेक की जाएगी। देखिए कुछ ऐसी ट्रॉफी दोस्तों देगी दी जाएगी, देखिए और आज दोस्तों डॉग्सों में बहुत कम रॉटवाइलर्स देखने को मिले हैं, ठीक है। वैसे हमने केनल कवर की है, ठीक है, पेट ग्लोब केनल जो कि साबरमती विस्तार में है, उसका वीडियो भी आप लोगों को चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब बटन दबाइए दोस्तों, हम डॉग्स के वीडियो भी वंस इन अ मंथ कवर ज़रूर करते हैं। दोस्तों ये चिवावा ब्रीड है और ये इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो मैक्सिको से है दोस्तों, टॉय ब्रीड है ये। और ये दोस्तों ग्रेट डेन अमिताभ बच्चन जी का फेवरेट डॉग ब्रीड, अमिताभ बच्चन जी के पास 2 हैं ऐसे। अगर आपको बिग साइज डॉग पसंद है तो ग्रेट डेन बहुत अच्छी एक टेम्परमेंट वाले डॉग हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा स्टॉल्स का मैं ओवरव्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ और स्टॉल्स का ओवरव्यू दिखाते दिखाते बता दूँ दोस्तों कि गुजरात पेट सोसाइटी के द्वारा 19 मार्च को सेमिनार होने वाला है संडे के दिन, ठीक है। तो बाकी का इस पोस्टर पे आपको डिटेल दिख रही होगी, उस पोस्टर पे सारी डिटेल है, आप इस ग्रुप के साथ जुड़ भी सकते हैं और इस ग्रुप के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ यहाँ पर मैं आपको ग्रूमिंग का सेक्शन वगैरह है वो देख लेते हैं, प्लस यहाँ पे बर्ड का एक सेक्शन भी है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए एक स्टोर से यहाँ पर आपको मैं इंट्रो करवा देता हूँ दोस्तों, गुली गुली पेट शॉप, जनरली हम इनके वीडियोज़ बनवाते हैं, गुली गुली डॉग एंड बर्ड एक्सेसरी दोस्तों। यहाँ ये एक ऐसी पेट शॉप है जिसने वेल मेंटेन किया हुआ है अपनी पेट शॉप को, और साथ में बर्ड से लेकर डॉग से लेकर कैट से लेकर सारी चीज़ आपको इनके पास मिल जाएगी, ठीक है। अब ये उन्नत पटेल हैं हमारे साथ, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी पेट शॉप के बारे में बताएंगे। जी उन्नत भाई, पेट गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद अज्जू भाई, आपका भी खूब खूब अभिनंदन कि आप हमारे स्टोर पे आए इतने सारे स्टोर होने के बावजूद भी। जी क्योंकि आपके स्टोर में वेराइटीज़ बहुत सारी है, देखिए डॉग भी है कैट भी है और बर्ड्स भी है, जिसके लिए हमारी चैनल जानी जाती है, ठीक है। तो बताइए आप मतलब क्या ये अभी ये देखिए टॉयपॉम है हमारा, हाँ ये टॉयपॉम देखिए 4 मंथ्स का टॉयपॉम है और ये मेल है,
प्रॉपरली, ब्लैक में है पूरा, रनिंग करा के देख सकते हो, देख लीजिए पूरा। दूसरी हमारे पास जो अभी सर्विसेज है, ग्रूमिंग करते हैं, डॉग ग्रूमिंग, कैट ग्रूमिंग, डॉग वॉकिंग भी कराते हैं, फिर पेट ट्रेनर भी है हमारे पास अवेलेबल है, फिर इंश्योरेंस भी, डॉग का इंश्योरेंस भी बजाज एलियंस के साथ कर देंगे, फिर ईएमआई का भी अपनों ने वीडियो बनाया था, ईएमआई का भी ऑप्शन है। डॉग कैट बर्ड कोई भी आप लाइव आइटम लेते हो उसके अंदर ईएमआई आपको करना है तो ईएमआई भी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद इसके जैसे जैसे ये गिनी पिग है, हैमस्टर है, फिर कैट है, इसके लिए हाउस बनाया हुआ है, फिर ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं बर्ड्स के रिलेटेड, हेल्दी फूड है सब, ये टॉयज़ है, अभी हम बर्ड्स का इधर ज़्यादा लेके आए हैं, स्टोर तो आपने देखा ही होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और कुछ और स्टोर्स भी कवर करते हैं, डॉग भी कवर करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे एक और सेक्शन है, देखिए सारे जो है पेट प्रोडक्ट के सारे यहाँ तक सेक्शन लगे हुए हैं, सब अपनी मर्चेंडाइज और अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं ताकि उनको कस्टमर, रेगुलर कस्टमर्स मिल सके। यहाँ सबसे ज़्यादा डॉग अगर किसी ने लाए हैं तो मैम लाए हैं, मैम अहमदाबाद से ही हैं, और पहले डॉग्स मैंने दिखा दिए, अब नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन से ब्रीड लाए हैं और कौन से इनके पास मिल जाएंगे, बाकी सारे डॉग भी ये अवेलेबल करवा देंगी। यहाँ पर रोटवीलर एकमात्र, बड़ा रोटवीलर एकमात्र यहाँ पर इनके पास है। तो मैम अभी अपने पास कौन सी ब्रीड है यहाँ पर? यहाँ पर रॉटवाइलर्स है, लैब्राडोर्स है, आयरिश सेटर्स है, चिहुआवास है, गोल्डन रिट्रीवर्स है, फ्रेंच बुलडॉग्स, इंग्लिश बुलडॉग्स और कोई बाकी है, ग्रेट डेन। तो दोस्तों सारे डॉग्स हमने पहले देख लिए, तो मैम आपके पास अवेलेबल हो जाते पपीज इनके? हाँ जी। ठीक है, तो आपका मतलब कोई केनल का नाम या ऐसा कुछ? हाँ है जी, मेरे केनल का नाम है अनुश्रीज केनल। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पेज भी है। ओके। उसका नाम है फॉरएवर वैगिंग टेल्स। ओके। और उसका सब नेम है अनुश्री केनल। तो आप अपना अगर नंबर शेयर कर दे तो? हाँ जी, मेरा नंबर है 9909454117। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके से टॉय ब्रीड से लेकर लार्ज ब्रीड तक कोई भी रिक्वायरमेंट है मैम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अरे राकेश, ये दोस्तों सिज्जू देख रहे हैं आप, सूरत में मैंने इसकी केनल कवर की है, आप जाकर जी देख सकते हैं, आपको अगर रिक्वायरमेंट कुछ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आज के दोस्तों सारे डोबरमैन में, ये डोबरमैन खास है बिकॉज यूरोपियन डोबरमैन है, काफी हेवी बल्की साइज में है, बहुत खूबसूरत है। 81, 83। दोस्तों आपको बीगल डॉग दिखा देते हैं अपने। बीगल भी जनरली जो है फ्लैट्स वगैरह में पाल के लोग रखते हैं और मिल जाते हैं आसानी से, देखने को मिल जाते हैं। एक और दोस्तों यहाँ पर आपको साइबेरियन हस्की दिखा रहा हूँ, काफ़ी इसके लिए मुश्किल है इस टेम्परमेंट में रहना और सब लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं, खूबसूरत ब्लू आइज में है। दोस्तों लेब को देखिए दौड़ाया जा रहा है, ब्लैक लेब है, वाइट लेब है। ठीक है, तो कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, जितना हो सका उतना इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट विथ नंबर मैंने बनाने की ट्राई की। तो चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत जल्द और भी चैनल्स के वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेंगे।
चलिए दोस्तों आज का आखिरी डॉग देखेंगे और आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करेंगे। बहुत खूबसूरत है, कौन सा डॉग है भाई साहब? तो दोस्तों ये भाई साहब को तो नाम मुझे भी नहीं पता। चलिए चलते चलते आप लोगों के लिए क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, आप इसका नाम बताइए, बिकॉज मुझे तो आपको पता है एक टू सा नॉलेज है डॉग में इतना नॉलेज अपने को है नहीं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए कैसा लगा एपिसोड, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।